फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में घी बनाने का एक ट्रिक बताऊंगी, जिस ट्रिक की सहायता से अगर घी बनाएंगे तो आपका घी काफ़ी अधिक निकलेगा, यानी जितना मक्खन रहेगा उतना ही आपका घी निकलेगा, वेस्टेज बिल्कुल नहीं जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। मैं आपको एक नई ट्रिक से बताऊँगी मक्खन से घी निकालना। हमने गैस पर अपना मक्खन रख दिया है, आँच को काफ़ी तेज रखा है और इसे हम रेगुलर स्टर करते हुए बॉयल करेंगे। जब ये बॉयल होगा तब मैं बताऊंगी इसमें क्या चीज़ डाला जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपका घी निकल सके। आप देख रहे हैं हमारा घी बॉयल हो रहा है और फिर हम आँच को अपने तेज कर दे रहे हैं और इसके अंदर मैं एक चम्मच आटा डाल रही हूँ। आटा डाल के हम स्टर करेंगे। आटा हमने इसलिए डाला है कि हमारा घी बहुत जल्दी निकल जाए और काफ़ी मात्रा में निकले, जितना मक्खन रहेगा उतना ही आपका घी निकलेगा। और इसे हम रेगुलर स्टर करेंगे। देख रहे होंगे आप बुलबुले काफ़ी तेज निकल रहे हैं, जो उबाल आया था वो ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने इसमें तुरंत आटा मिला दिया। और फिर हम इस आटे को देखें इस तरह मिक्स करके चलाएंगे और अब हमारे घी का बुलबुला एकदम ख़त्म हो चुका है। रेगुलर स्टर करते रहेंगे। आटा डालने के बाद 2 से 3 मिनट के अंदर आपका घी पूरी तरह निकल जाएगा। आँच को थोड़ा तेज रखें और इसे रेगुलर स्टर कीजिए। आपको घी का कलर भी एकदम येलोइश और परफेक्ट दिखाई देगा। आप देख रहे होंगे घी में कितनी तेज़ी से उबाल आ रहा है। मैंने जब से आटा डाला है बहुत तेज़ इसमें उबाल आ रहा है, यानी बहुत तेज़ी से हमारा घी तैयार हो रहा है। इसमें आटे के कारण एक सोधापन भी आ जाएगा और आपको दिख रहा होगा घर घी का जो कलर है वो एकदम येलोइश लग रहा है। इस तरह हम रेगुलर चलाते जाएंगे जब तक ये हमारा अंदर का वेस्ट जो मटेरियल है उसका कलर पिंक ना हो जाए। आप चाहें तो इसी समय इसे पनीर के रूप में निकालकर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, या थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो तब आप इसे निकाल लीजिए और इसके आप कुकीज़ वगैरह भी बना सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा तेज़ी से बॉयल आ रहा है। अब इसका जो अंदर का कलर है खुरचन का उसका कलर चेंज हो रहा है, हल्का सा येलोइश लगने लगा, थोड़ी देर में ब्राउन होगा। 2 से 3 सेकेंड हम अभी अपनी फ्लेम को ऑन रखेंगे, उसके बाद तुरंत मैं ऑफ़ कर दूंगी क्योंकि कढ़ाई गर्म रहेगी तो ये खुद ही लाल हो जाएगा, अपने आप खुरचन अच्छे से घी तैयार हो जाएगा। इस तरह करने पर हमें घी की मात्रा काफ़ी अधिक मिल जाती है, यानी मक्खन के बराबर, यानी आप दुगना घी पा सकते हैं हाफ की बजाय। और अब आपको मेरे खुरचन का कलर चेंज नज़र आएगा थोड़ा सा। अब गैस की स्विच मैं ऑफ़ कर दे रही हूँ और इसे ठंडा होने दे रही हूँ, उसके बाद मैं छानूंगी। हमारा देखिए अच्छे से तैयार हो गया। हल्का आपको गुलाबी लग रहा था तब, पर अब ये ज़्यादा डार्क हो गया है। हम एक छन्नी लेंगे और ये मैंने 1.25 लीटर का हमारा ये भगोना है, इसमें हम अपनी घी को निकालेंगे। देखिए इस तरह निकाल दे रहे हैं, घी थोड़ा ठंडा हो चुका है और इस तरह पलट देंगे हम घी को, उसके बाद फिर हम आपको इसे बोतल में भरकर बताएंगे। देखिए ये हमारे 4 दिन का मक्खन है। 4 दिन के मक्खन में करीब आपको 1 लीटर घी बन जाएगी। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा खुरचन को प्रेस कर देंगे ताकि ये हमारा घी निकल आए। एकदम फ्रेश घी निकला हुआ है। इस खुरचन का उपयोग आप कुकी बनाने में कर सकते हैं। ये देखिए कितना फ्रेश घी है और मैं इस भगोने में आपको से डाल दूंगी। ये देखिए हमारा 1 लीटर का डब्बा है, ये पूरी तरह भर गया, थोड़ा सा खाली है। अप्रोक्सीमेट 950 ये होगा हमारा घी। देखिए मैंने घर का फ्रेश घी निकाल कर तैयार कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।